नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और इस कोरोना का टाइम में घर पे ही बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है और ये कोरोना अभी चरम रूप पे पहुंची हुई है। इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवाने पड़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान किया हुआ है। और यहाँ तक ही नहीं, कोविड से उबरने के बाद भी जो पेशेंट कोविड से रिकवर भी हो जाते हैं उनके साथ साथ नए नए बीमारी का नाम आप लोग सुनते होंगे, जैसे कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन, व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन, येलो फंगस इन्फेक्शन। ये सारे इन्फेक्शन भी इसी टाइम में कोविड के दूसरी लहर के साथ साथ चल रही है और पोस्ट कोविड पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा अपने गिरफ्त में ले रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसी पे आधारित है कि पोस्ट कोविड पेशेंट को जो इन्फेक्शन होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं और जिसके कारण बहुत सारे स्टेट में इसको एक महामारी घोषित कर दिया गया है और जो कि जिससे कि बहुत सारे लोग अपने जान गंवाने पड़ रहे हैं, इसी बेस पे हमारा ये आज का एक टॉपिक है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस, ये तीनों के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे होता है और किस किस पर्सन को हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा दो लक्ष्य है। एक तो वो स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ही करेंट टॉपिक्स हैं और इससे आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो स्टूडेंट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ये सोशल अवेयरनेस का भी एक टॉपिक है ताकि जो स्टूडेंट नहीं भी है अगर वो भी इसको देखेंगे तो उनको भी कुछ न कुछ जरूर यूजफुल जानकारी इस वीडियो से जरूर मिलेगी। तो आप सब इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसको लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में मैं आप इस वीडियो पे आधारित स्टूडेंट के लिए मैं एक प्रश्न भी दूंगा जिसका जवाब वो हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस, ये क्या है? तो ये इसकी बात करें तो ये तीनों के तीनों फंगल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? तो फंगल इन्फेक्शन जो फंगस के कारण होते हैं, फंगस मतलब कवक के कारण होते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो कवक जो एक सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पांच तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक। तो ये कवक, जिसको आप सरल भाषा में फफूंदी भी कहते हैं, जो कि हमारे लिए अगर एक आम स्वस्थ मनुष्य है तो उसको वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम, उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना होता है कि सिंपल आम आदमी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी कवक से आराम से लड़ लेता है और उसी इन्फेक्शन से वो हमारे शरीर को रक्षा करता है। लेकिन जैसे किसी भी आदमी का इम्यूनिटी लो हो जाए तो उसको यही जो फंगल है, यही फंगल इन्फेक्शन बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो किन किन पर्सन को इम्यूनिटी हो सकता है? तो जैसे आजकल हालिया में हम देख रहे हैं कि जो कोविड के पेशेंट है उनका इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है। तो इम्यूनिटी क्यों लो हो जाता है? क्योंकि कोविड के जो पेशेंट है उसको स्टेरॉइड दिया जाता है। अब स्टेरॉइड क्या है? तो स्टेरॉइड एक तरह का जो दवा है वो हमारे शरीर को इसलिए दिया जाता है कि जैसे कभी बुखार आ जाता है और सिंपल पैरासिटामोल से ठीक नहीं हो जाता है, ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर स्टेरॉइड लिखते हैं। तो कोविड पेशेंट को जो स्टेरॉइड देते हैं तो वो एक्चुअली क्या करता है कि हमारे बॉडी के सिस्टम का जो इम्यून है उसको लो कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है और हमारे जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल है उसको बढ़ा देता है। तो जो अगर डायबिटिक पेशेंट है वो भी, और नॉन डायबिटिक पेशेंट है उसको भी, उसके ब्लड शुगर लेवल को वो बढ़ा देता है और इम्यून सिस्टम को लो कर देता है। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है वैसे ही ये तीनों फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर पर अटैक कर देता है और हमारा इम्यून सिस्टम चूंकि कमजोर रहता है वो लड़ नहीं पाता है, इसीलिए हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि इसमें हम बारी बारी से एक चार्ट बनाया है और बारी बारी से हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे और तीनों का समानता भी पढ़ेंगे। एक ही चार्ट से हम तीनों को एक संयुक्त रूप में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पैरामीटर के आधार पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने एक कॉलम में ले लिया पैरामीटर, जिससे कि हम इसमें देखेंगे कि किस किस पैरामीटर से इस तीनों ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है कि ये है क्या। तो तीनों का तीनों ब्लैक फंगस के बारे में पहले पढ़ते हैं। ब्लैक फंगस जो है एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो शुरू में तो सिंपल होता है, लेकिन अगर वो शरीर के अंदर एंट्री कर ले, उसका एंट्री करने का रास्ता नाक है, अगर नाक के थ्रू वो एंट्री कर ले और हमारे ऑर्गेन्स के अंदर फैल जाता है तो वो उस समय बहुत ही घातक हो जाता है। तो यही मैंने लिखा है कि यह फंगल इन्फेक्शन है, शुरू में तो सिंपल होता है लेकिन स्प्रेड होने के बाद
जो कि बहुत डेंजरस होता है और इसका एंट्री नाक से होता है। नाक से होते हुए वो हमारे आंख में जाता है, जिससे आंखों की रोशनी चली जाती है, आंखों में लाली आ जाती है, और वो आंख से होते हुए अगर ब्रेन में चला जाता है तो वो और भी ज्यादा घातक होता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी तरह से वो हमारे लंग्स को भी इफेक्ट करता है, और तीसरे तरह में वो हमारे इंटेस्टाइन आंत को भी इफेक्ट करता है। दूसरा मैंने लिखा है साइंटिफिक नेम, तो ब्लैक फंगस का जो साइंटिफिक नेम है वो है म्यूकर माइकोसिस। क्या नाम है दोस्तों? म्यूकर माइकोसिस। अब ये जो ब्लैक फंगस का जो साइंटिफिक म्यूकर माइकोसिस है वो तीन तरह से होते हैं। तीन तरह से मतलब किस तरह से होते हैं? तो एक जो नाक की तरह से जाते हैं, नाक के रास्ते से जाते हुए आंख में जाते हैं, आंख से ब्रेन में चले जाते हैं। दूसरा नाक से होते हुए हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग्स को डैमेज कर देते हैं, और बैडली डैमेज कर देते हैं। और तीसरा हमारा इंटेस्टाइन, हमारे पेट में जाते हैं और इंटेस्टाइन को डैमेज कर जाते हैं। तो यू म्यूकर माइकोसिस तीन टाइप के होते हैं। वल्नरेबल पर्सन, इसके वल्नरेबल मतलब वो किसको हो सकता है, कौन सा आदमी इसका ज्यादा से ज्यादा शिकार हो सकता है? तो जो पर्सन लो इम्यूनिटी का है वो पर्सन को ज्यादा चांस है ब्लैक फंगस होने का। अब ये लो इम्यूनिटी वाले पर्सन कौन कौन हो सकते हैं? तो कोविड पेशेंट विथ हाई डोज ऑफ एस्ट्रॉइड। अब एस्ट्रॉइड क्या करता है, क्या करता है कि हाँ, जो इन्फ्लेमेशन हमारे सही है, जैसे बुखार है, तो बुखार कम नहीं हो रहा है, तो एस्ट्रॉइड देने पे जल्द ही बुखार डाउन हो जाता है। और एक्चुअली वो क्या करता है कि जो कोरोना जो का वायरस है जो हमारे लंग्स में है, लंग्स में कोरोना का वायरस जैसे इंटर करता है तो हमारा बॉडी का सिस्टम इम्यून सिस्टम उससे लड़ने लगता है। उससे क्या होता है कि लंग्स में एक इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए अगर शुरू में कोई डॉक्टर जाने अनजाने में अगर वो स्टेरॉइड दे देता है तो क्या होता है, हमारा उस समय हमको तत्काल राहत फील हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, तो कोरोना को लड़ने के लिए कुछ नहीं होता है। और कोरोना वायरस जो है रेप्लिकेशन ज्यादा वृद्धि तेजी से करने लग जाता है, और बॉडी का जो सिस्टम इम्यून सिस्टम है वो लो हो जाता है। उसी कारण बॉडी का बुखार फीवर जो भी है वो उस समय तो लगता है कि कम हो जाता है, लेकिन कोरोना के लिए वो उस टाइम पे ठीक नहीं है, कोरोना उस समय बढ़ते चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उस समय वही मैं लिखा है कि कोविड पेशेंट जो हाई डोज स्टेरॉइड जिसको दिया जाता है वो पेशेंट ज्यादा वल्नरेबल है ब्लैक फंगस के। इसके साथ साथ जो पर्सन डायबिटिक है जिसका शुगर लेवल ज्यादा है उसका भी इम्यूनिटी कम होता है, और वो पर्सन भी क्या होता है कि इस फंगस के चपेट में आने का उसका चांस ज्यादा रहता है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सिम्टम्स सबसे पहले होते हैं कि नाक का बंद होना या नाक का बहना, नाक से ब्राउन रंग का या लाल रंग का डिस्चार्ज होना, वो एक सबसे पहला निशानी है ब्लैक फंगस का, क्योंकि वो नाक पे अटैक करता है और नाक की हड्डी को वो क्या करता है, किसी किसी केस में वो गला तक देता है। तो मैं ये लिखा कि नाक का बंद होना या नाक का बहना जिसमें भूरे या लाल रंग की डिस्चार्ज हो सकती है, नाखून के आसपास दर्द भी होना, दांतों के जबड़े का कमजोर होना, ये जो ब्लैक फंगस है वो दांत के जबड़े है उसको भी कमजोर कर देता है, टीथ को भी ढीला कर देता है, और यहां तक कि जबड़े की हड्डी को भी वो गला देता है। आंखों में लाली होना और आंखों में दर्द होना, और अगर ज्यादा सीवियर केस होता है तो वो आंख की रोशनी भी चली जाती है और डॉक्टर को इसमें ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तीसरा है कि इसमें स्किन, ये ब्लैक फंगस आप देखते होंगे कि स्किन पे भी हो सकता है, स्किन पे जब भी होगा हमारे स्किन पे तो वो फुंसी या छाले के रूप में होगा, और जहां वो फुंसी या छाले के रूप में होता है वहां पे वो ब्लैक कलर का स्पॉट छोड़ देता है, इसीलिए उसको हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। दूसरा बात ये है कि अगर ब्लैक फंगस हमारे इंटरनल ऑर्गेन पे चला जाता है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है, जो जहां से ब्लड जाती है, उसके चारों ओर वो टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है, और टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हुए क्या करता है कि वो उस टिश्यू को काला कर देता है, इसके कारण भी इसका नाम ब्लैक फंगस है। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो, और इसमें एक और चीज है कि जैसे मैंने बताया कि ये ब्लैक फंगस हमारे इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करता है, तो इसके जो सिम्टम होते हैं खून की भी उल्टी हो सकती है, और हमारा जो विजन है, जो आंख का दृष्टि है, वो भी ब्लर्ड हो सकता है, हमें धुंधला दिखाई दे सकता है। अगर हम उसके बाद ट्रीटमेंट पे आते हैं, सेकंड फाइव नंबर ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो जो इसका ट्रीटमेंट है वो ENT स्पेशलिस्ट जो होता है, जो आंख नाक और कानों का डॉक्टर होता है, वही उसी के देखरेख के पास ये जितने ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस या येलो फंगस तीनों वही देखते हैं। तो वो अगर सिंपल है तो सिंपल वो एंटी फंगल जो मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध है उसी से वो
इलाज करते हैं। और जनरली एम्फोटेरिसिन जो है वो एंटी फंगल मेडिसिन है, उसी का उपयोग वो इसके ट्रीटमेंट में करते हैं। और अगर ज्यादा हो गया, जैसे आंखों के पास या ब्रेन के पास ज्यादा हो गया, तो वो सर्जरी, उसको भी सर्जरी भी करना पड़ता है। और सबसे पहले वो क्या करता है, तो स्ट्रॉइड को, जो भी स्ट्रॉइड अगर उसको चल रहा होता है तो स्ट्रॉइड को बंद करता है और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट का एक प्रोसीजर है जो कि डॉक्टर्स करते हैं। इसका जो बचाव है, मेनली बचाव है कि आप अपने आसपास के इलाकों को साफ रखिए, जहां आप रहते हैं उसको साफ सफाई रखिए, सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए, एक गुड हाइजीन मेंटेन कीजिए, वो अपने आदत में डालिए, जिससे कि कहीं भी नमी वाला क्षेत्र, क्योंकि ये जो फंगस है वो नमी वाले क्षेत्र में होता है। आप देखते होंगे कि जैसे आप ब्रेड बासी हो जाए या रोटी बासी हो जाता है या कोई भी सामान दही बासी हो जाता है, तो उस पर व्हाइट कलर या ब्लैक कलर का एक फफूंदी हो जाता है, तो उसको आप उससे बचे, बासी खाने से बचे, या फिर जो ब्रेड खाते हैं आप जो जिसपे फंगस लगा हुआ है उसको खाने से बचे, स्पेशली जिसके इम्यूनिटी लो है, जो अभी कोविड से उभर के आ रहे हैं या कोविड के जो पेशेंट है उसको ये सब खाने से मना ही है। और साथ साथ नमी वाले क्षेत्र में जैसे कि उनका उपचार चल रहा है, तो जो वेंटिलेटर पे लगा रहता है और ऑक्सीजन के सपोर्ट पे रहता है, तो आप देखते हो कि ऑक्सीजन का सपोर्ट जो नाक पे लगा रहता है, तो उसके चारों ओर पानी जमा होता है, पानी का जो छोटा 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 बुलबुले जमा रहता है उस पे ब्लैक फंगस का बढ़ने का या वहां पे पैदा होने का चांस बढ़ जाता है, और वही जो ब्लैक फंगस आदमी के नाक में चला जाता है, उसी के थ्रू वो इंटरनल ऑर्गन्स या मस्तिष्क में चला जाता है, जिसके कारण उसका बीमारी बढ़ते चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा ब्लैक फंगस के बारे में। उसी तरह से अब हम देखते हैं व्हाइट फंगस के बारे में। व्हाइट फंगस का इंट्रोडक्शन क्या है, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन इस ये सिंपल फंगल इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगस से ये सिंपल है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर वो शरीर के ये भी इंटरनल ऑर्गन्स में चले जाए तो ये नुकसानदेह जरूर है, और वो भी किसको हो सकता है, वो भी लो इम्यूनिटी वाले को ही होगा। लेकिन इसका जो है इंट्री का रास्ता कहां से है, तो इसका इंट्री जो बॉडी में होता है वो हमारे मौत से होता है या हमारे प्राइवेट पार्ट से होता है, ये दो ही रास्ते से हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है, मौत से या प्राइवेट पार्ट से। ठीक है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम या मेडिकल टर्म्स में इसको बात करें तो इसको कैंडिडियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैंडिडियासिस बोलते हैं। पर वल्नरेबल पर्सन इसके लिए कौन है, सेम इसकी तरह ही ब्लैक फंगस की तरह जो लो इम्यूनिटी का पर्सन है, जो कोविड का पेशेंट है, इसके साथ साथ जो एचआईवी का पेशेंट होता है या कैंसर का पेशेंट होता है उसका भी इम्यूनिटी लो होता है और उसको भी व्हाइट फंगस होने का चांस ज्यादा होता है। साथ साथ डायबिटिक्स का उतना ये रोल नहीं है, लेकिन जो डायबिटिक्स पर्सन है उसको होने का चांस नॉन डायबिटिक पर्सन से ज्यादा रहता है व्हाइट फंगस। तो ये वल्नरेबल पर्सन की बात है। अगर सिम्टम्स की बात करें इसमें, तो इसका जो सिम्टम्स है वो कोविड से बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं। कोविड में जो लक्षण है जैसे कि कफ है, बुखार है, खांसी है, वो सारे लक्षण मिलते जुलते रहते हैं, जिससे डॉक्टरों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ब्लैक फंगस है या कोविड है। तो उसको जो हम डायग्नोसिस करते हैं डॉक्टर, या तो सीटी स्कैन से करते हैं या एक्सरे से कर पाते हैं कि ये वास्तव में व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन है या फिर कोविड का इन्फेक्शन है। और उसका जो सेम लक्षण है कफ, फीवर, डार्क स्पॉट ऑन लंग्स, जो लंग्स में छोटे 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 डार्क स्पॉट ये कर देते हैं, साथ साथ डायरिया भी हो जाता है, अगर हमारे वो अंदर पहुंच जाते हैं इंटेस्टाइन में तो डायरिया कराते हैं, इससे ऑक्सीजन लेवल लो कर देते हैं जो कि कोविड का भी एक लक्षण है, और वो मुंह में व्हाइट छाले पड़ने लग जाते हैं जो कि सिंपल मौत, सिंपल इन्फेक्शन है, और मौत से जैसे वो इंटर करते हैं तो सबसे पहले मुंह में आपके व्हाइट व्हाइट पैचेज बनने लगेंगे, ओरल कैविटी में व्हाइट व्हाइट पैचेज बनने लगेंगे, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, स्पेशली उस पेशेंट को जो अभी कोविड से उभर के आ रहे हैं, क्योंकि ये जो फंगल इन्फेक्शन है आज के डेट में उन्हीं को ज्यादा परेशान कर रहे हैं और वही ज्यादा शिकार हो रहे हैं जिसकी इम्यूनिटी कम है, और स्पेशली कोविड वाले जो कि इस समय कोविड का लहर चल रहा है। नेक्स्ट में इसका ट्रीटमेंट का बात करें तो इसमें सिंपल ट्रीटमेंट है, शुरुआत में कोई ज्यादा नुकसान दे नहीं है, और ये इसका भी एक एंटी फंगल दवा है, फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है जिसके उपयोग करके डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और इसका भी बचाव का प्रिवेंशन का क्या है कि आप कीप सराउंडिंग क्लीन, गुड मेंटेन गुड हाइजीन, आप सराउंडिंग को साफ रखें, नमी वाले क्षेत्र को साफ सुथरा रखें, नमी होने ना दे, और अपने वातावरण को साफ रखेंगे तो इस व्हाइट फंगस को पनपने का चांस ही नहीं मिलेगा, और जब चांस ही नहीं मिलेगा तो इसका संक्रमण का भी खतरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है येलो फंगस। येलो फंगस के बारे में हम देखें तो
इसका भी इंट्रोडक्शन अगर बात करें तो ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ये जो फंगल इन्फेक्शन है, येलो फंगल इन्फेक्शन, ये दोनों ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये शरीर के आंतरिक भागों से शुरू होता है, ताकि आदमी को पता ही नहीं चलता है, शुरुआत में तो इसका लक्षण ही नहीं पता चलता है या इसका डायग्नोसिस ही नहीं पता चलता है कि ये येलो इन्फेक्शन हमें हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों इन्फेक्शनों से ज्यादा डेंजरस है। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है म्यूकर स्पेक्टिक्स। क्या नाम है? म्यूकर स्पेक्टिक्स। ठीक है दोस्तों, ये किसको हो सकता है? ये भी लो इम्यूनिटी वाले पर्सन को या कोविड पेशेंट को होने का इसका ज्यादा चांस है, जिसका इम्यूनिटी लो है। तो कुल मिलाकर तीनों जो फंगल इन्फेक्शन उसी को हो सकते हैं जिसका इम्यूनिटी लो है, और स्पेशली इस टाइम में कोविड के पेशेंट को या कोविड से उबरने के बाद भी डॉक्टर कहते हैं 2 से 6 हफ्ते तक आप इसको मॉनिटर कीजिए। अगर इस सारे में से कोई भी लक्षण है तो आप तुरंत इसका डॉक्टर से जाके चेकअप कराएं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका जो सिम्टम्स है, ये घावों से मवाद का निकलना, ये आंतरिक किसी घाव, अगर आपने अंदर में कोई घाव है तो उससे वो मवाद का रिसना हो जाता है, और अगर कहीं बाहर भी घाव है तो वो घाव को भरने नहीं देता है और उससे मवाद निकलते रहता है। यही है सबसे बड़ा इसका लक्षण है और यही सबसे बड़ा इसको खतरनाक बनाता है। इससे और क्या हो जाता है? तो वेट और एपेटाइट दोनों लॉस हो जाता है, भूख कम लग जाती है, भूख नहीं लगती है, जिसे आदमी खाना कम खाता है, जिसके कारण आदमी का वजन शीघ्रता से कम होने लगता है। उसके बाद उसमें अत्यधिक कमजोरी, स्वाभाविक है कि अत्यधिक कमजोरी होगी, और शरीर के अंग का सुन हो जाना, जिस अंग में घाव हो गया है उस अंग का, या हाथ में जिसमें कमजोरी हो गया है, हाथ या पैर किसी टाइम पे आपका सुन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट का बात करें तो इसका जो एंटी फंगल दवा है वो इंजेक्शन के तौर पर आता है, एम्फोटेरिसिन बी। इसका जो ब्लैक फंगस का सिंपल दवा है एम्फोटेरिसिन, जो कि एक मेडिसिन टैबलेट के तौर पे आता है, बट इसका जो दवा है वो इंजेक्शन के लिए आता है, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के लिए आता है। ठीक है, सिक्स में बचाव जो है, उसमें बचाव इसका आपको सेम ही रखना है कि आप अपने चारों तरफ सबसे पहले सफाई का ध्यान रखें, लेकिन इसमें एक चीज और डिफ्रेंशिएट करता है कि ये जो येलो फंगस है वो रेप्टाइल में ज्यादा पाए जाते हैं। रेप्टाइल मतलब जो जमीन पे रेंग के चलते हैं, जैसे कि सांप हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गया, मेढक हो गए, उससे आपको बच के रहना है, क्योंकि येलो फंगस उन्हीं रेप्टाइल में पाए जाते हैं, तो आपको इन सबसे बच के रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन तीनों को मिला के एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से एक बार समझ में आ जाए और रिविजन भी हो जाए। तो इंट्रोडक्शन में ये तीनों फंगल इन्फेक्शन है। ब्लैक फंगस का एंट्री कहां से होता है? नोज से एंट्री होता है, और शुरू में वो सिंपल होता है, बाद में अगर स्प्रेड होने के बाद वो ज्यादा खतरनाक होता है। व्हाइट फंगस का एंट्री माउथ से होता है, और येलो फंगस शरीर के इंटरनल पार्ट से शुरू होते हैं। साइंटिफिक नेम ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम म्यूकर माइकोसिस है, जो 3 टाइप्स के होते हैं, जो मैंने बताया, एक नाक के थ्रू होते हुए ब्रेन को चला जाता है, एक नाक के थ्रू होते हुए आपको लंग्स को डैमेज करता है, और एक अंदर जाकर के आपको इंटेस्टाइन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो आंत है उसको डैमेज कर देता है। इसका व्हाइट फंगस का साइंटिफिक कैंडियासिस है, और येलो फंगस का साइंटिफिक नेम म्यूकर स्पेक्टिक्स है। वल्नरेबल पर्सन कौन कौन है? तो तीनों के तीनों लो इम्यूनिटी वाले पर्सन, जो कि आजकल के टाइम में कोविड के पेशेंट है, जो एचआईवी के पेशेंट है, जो कैंसर के पेशेंट है, या डायबिटिक पेशेंट है, ये तीनों जो फंगस इन्फेक्शन है वो उन सबको अटैक करते हैं, उन सब पे अटैक करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स ब्लैक फंगस का आप देखें तो नाकों का सबसे पहले ब्राउन रंग का या रेड रंग का डिस्चार्ज, नाकों के आसपास का दर्द, आंखों का रंग लाल हो जाना या आंखों में ब्लड विजन का होना, देखने में धुंधलापन आना, आंखों में लाली हो जाना, और किसी किसी केस में वो आंखों की रोशनी तक चली जाती है। ठीक है, दांतों में जबड़े का ढीला हो जाना, और दांतों की जबड़े की जो जबड़े की हड्डी है उसको भी वो कभी कभी गला देते हैं। स्किन पे फुंसी हो जाना, स्किन पे फुंसी होने के बाद छाले पर जाना और वहां पे ब्लैक स्पॉट हो जाना। अगर इंटरनल वो चले जाते हैं तो ब्लड वेसल्स के जो टिश्यू है उसको डैमेज कर देते हैं, वो भी ब्लैक कर देते हैं वो। अच्छा, उसमें खून की उल्टी भी आती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो कोविड से सारे मिलते जुलते हैं, और उसको सीटी स्कैन और एक्सरे के द्वारा ही इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये व्हाइट फंगस है या फिर कोविड है। इसमें कफ, फीवर, डार्क स्पॉट ऑन लंग्स, डायरिया, लो ऑक्सीजन लेवल, मुंह में व्हाइट छाले पड़ना व्हाइट फंगस के सिम्टम्स है। येलो फंगस के में बात करें तो घावों से मवाद का निकलना, घावों को भरने नहीं देना, वेट का लॉस हो जाना, एपेटाइट का लॉस होना, भूख नहीं लगना, अत्यधिक कमजोरी होना, शरीर के भागों का सुन हो जाना, ये येलो इन्फेक्शन का लक्षण है।
इसका ट्रीटमेंट का बात करें तो एंटीफंगल दवा तीनों के लिए एंटीफंगल ही दवा आता है। इसके लिए एंटीफंगल दवा में एम्फोटेरिसिन टैबलेट आता है ब्लैक फंगस के लिए, इसके लिए फ्लुकोनाजोल टैबलेट आता है, बट व्हाइट फंगस के लिए एम्फीटेरिसिन बी इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर अपने हिसाब से जो दवा आता है वो भी उनको चलाते हैं। इसमें क्या है कि ब्लैक फंगस में सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। इसको स्ट्राइड को सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बचाव का क्या क्या तरीका है, तो तीनों में सबसे पहले बचाव का तरीका है कि आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए, नली वाली छतरी से दूर रहिए। जैसे कोई भी कोविड का पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसके ऑक्सीजन का जो सपोर्ट जो मास्क लगा रहता है उसमें नमी को जमा न होने दे, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखे। और जो येलो फंगस का इंफेक्शन है उसमें आप छिपके लिए गिरगिट सांप मेढक ये चार चीज से बच रहे, जो रेप्टाइल है रेंगने वाली चीजों से आप बच करें क्योंकि उसमें येलो फंगस होने का खतरा ज्यादा है। अगर इसको अगर हम बात करें तो ब्लैक फंगस को हेल्थ मिनिस्ट्री ने महामारी घोषित कर दिया और ये महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बहुत सारे ब्लैक फंगस के पेशेंट पाए गए और इन राज्यों ने भी इनको महामारी घोषित कर दिया। जबकि व्हाइट फंगस ज्यादातर पटना में कुछ पेशेंट मिले थे और गाजियाबाद में कुछ पेशेंट यूपी में मिले थे और इसके अलावा येलो फंगस के भी पेशेंट गाजियाबाद में मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना यूजफुल है ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया आज का ये वीडियो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आदमियों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे और सब इसका बचाव का काम कर सके। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है ब्लैक फंगस को साइंटिफिक या मेडिकल शब्द में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए म्यूकर माइकोसिस, ऑप्शन बी म्यूकर स्पेक्टिक्स, ऑप्शन सी कैंडियासिस, ऑप्शन डी हाइपोक्सिया। ये क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और आप अपना ख्याल रखिए, बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाइए, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहिए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।